हेलो एवरीवन, हमारे चैनल स्टेट 47 पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेटेस्ट हिंदी का मॉडल पेपर लेके आई हूँ गाइस। तो जो ये पेपर होगा ना, बहुत इजी होगा। आपने इसको पढ़ लिया ना अच्छे से, आपके पूरे मार्क्स पक्के हैं गाइस। आपको बिल्कुल डरना नहीं है एग्जाम देते वक्त, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल पेपर होने वाला है। तो आपको जो ये पेपर होगा ना, जो 2.5 घंटे का होगा, 2 आवर 30 मिनट्स, बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से देना है इस पेपर को आपको। और ये 80 मार्क्स होगा आपका पेपर, और अच्छे से देना है। जो मतलब हिंदी से डरते हैं ना एग्जाम देने से, इसका बिल्कुल नहीं डरना है। इस पेपर को देने के बाद में आप बिल्कुल नहीं डरोगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये है अपना खंड ए, यानी कि सेक्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए, यानी कि यह है टिक द क्रैब, ठीक है? ये अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी ना होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है। ये वसंत जो आपकी बुक है हिंदी की, उसके फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। तो फर्स्ट दे रखा है हमें गर्मी, बी दे रखा है सर्दी, और सर दे रखा है वसंत, और फोर दे रखा है वर्षा। तो हम इसमें आंसर में से जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका वसंत, ठीक है? अच्छे से पढ़ लीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है, ठीक है? अच्छे से पढ़िए और मुझे आंसर दीजिए फिर इसका। लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है गाइस, ये सेकंड चैप्टर से लिया गया है आपका। फर्स्ट दे रखा है हमें मुंगेरिया, बी दे रखा है हमें गोला, स दे रखा है हमें बेलन, और डी दे रखा है हमें लाख। तो आपका स हो जाएगा। अच्छे से इसको रट लीजिए आप, स आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत शब्द का विपरीत शब्द है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमृत शब्द का विपरीत शब्द क्या है। तो फर्स्ट दे रखा है हमें पीयूष, वी दे रखा है हमें विश्व, स दे रखा है हमें दुग्ध, और डी दे रखा है हमें जल। तो अमृत होता है मतलब अमृत होता है, इसका मतलब उल्टा क्या होगा, जहर हो जाएगा, विष हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आप जो ये ब्लैंक दे रखा है इसमें बी फिल कीजिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। तो प्रत्युष मतलब क्या होता है, प्रातःकाल, प्रातःकाल होता है, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है, आप अच्छे से देखिए उसको। बदलू को किस बात से चिढ़ थी, बदलू को किस बात से चिढ़ थी, सेकंड चैप्टर है ये। लाख की चूड़ियों से, कांच की चूड़ियों से, रबड़ की चूड़ियां तो होती है नहीं, लोहे की चूड़ियां भी नहीं होती है, तो भी हो जाएगा आंसर कांच की चूड़ियों से। अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप इसे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बस तो फर्स्ट क्लास है वाक्य में विशेषण है। तो गाइस इस तरीके से भी आपसे विशेषण पूछ सकता है, यानी कि पूछेगा ही। तो हमें ए दे रखा है बस, बी दे रखा है फर्स्ट, स दे रखा है क्लास, फोर दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, बस तो फर्स्ट क्लास है, बस की विशेषता क्या है, फर्स्ट क्लास है वो। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। सेवंथ है, हम भीख मंगो की डैश स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम भीख मंगो की स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए, फोर्थ चैप्टर का इस, कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। ए दे रखा है बस्ती में, बी दे रखा है गांवों में, स दे रखा है गलियों में, और डी दे रखा है दुनिया में। तो दुनिया में इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? तो एट्थ की तरफ बढ़ते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ लीजिए आप इसे, ये जरूर आएगा एग्जाम में। ए दे रखा है पत्र, बी दे रखा है कागज, सी दे रखा है उत्तरम, और डी दे रखा है कादड़। ये कादड़ नहीं है, कदीड़ है, यहाँ पे गाइस लिखा हुआ गलत है। तो द आपका इसका आंसर हो जाएगा। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को कदीड़ कहा जाता है गाइस। संधि, संधि में कई बच्चे डर जाते हैं, बिल्कुल मत डरिए, बहुत सिंपल संधि आने वाली है आपके, और बहुत इजी होती है संधि। अगर आप इनके नियमों का आपने इनको याद कर लिया ना, तो बहुत इजी आपके लिए संधि। बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। रविंद्र शब्द की संधि विच्छेद है,
रविंद्र तो बहुत सिंपल है गाइस, देखिए फर्स्ट दे रखा है रवि प्लस इंद्र, सेकंड दे रखा है रवि प्लस इंद्र, और स दे रखा है रवि प्लस इंद्र, और डी दे रखा है रवि प्लस इंद्र। ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा क्योंकि इसकी विसर्ग और क्वेश्चन में तो विसर्ग दे ही नहीं रखा। तो गाइस आपका राइट आंसर ब हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है, दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है गाइस? समास बनता है, कारक बनता है, विशेषण बनता है, या फिर संज्ञा बनती है? तो समास बनता है, आंसर हो जाएगा आपका। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था, चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था गाइस? दाना दबा हुआ था मुझे लगता है, नहीं कीट दबी हुई थी, पत्ती दबी हुई थी, या फिर तिनका, तिनका दबा हुआ था गाइस। तो आपका ब इसका आंसर हो जाएगा तिनका। फोर्थ चैप्टर से है ये गाइस, अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरे चैप्टर को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं गाइस? जहां मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? बड़बा, दड़बा, जड़बा, या फिर अड़बा? कैसे अजीबोगरीब नाम ले रहा है। तो आपका सही इसका आंसर हो जाएगा गाइस, दड़बा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए? 12 चैप्टर गाइस ये, नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए? सुदामा ने श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण ने सुदामा के, द्वारपाल ने सुदामा के, द्वारपाल ने श्री कृष्ण के। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप इसे अच्छे से। पुड़कोटे किस राज्य का जिला है? पुड़कोटे किस राज्य की जिला है गाइस? यह है तमिलनाडु का, द इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी है गाइस। गवरिया की टोपी में कितने फूंदे थे, फूंदने थे गाइस? 18 चैप्टर है, बहुत सिंपल और बहुत मजेदार भी। बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 फूंदे हैं उसके टोपी में। सेकंड क्वेश्चन है अपना, नीचे दी गई पंक्ति को, पंक्ति की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर करना है। तो हम यहाँ पे शब्द भी दे रखे हैं, जैसे पोर्ट्रेट, पट्टी, अंत, प्रत्युष, धाम, विवाइन, स्वप्न। तो फर्स्ट है अपना, अभी न होगा मेरा, क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा, फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अंत, तो अंत आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं ही अपना डैश मृदुलकर, क्या अपना मृदुलकर? प्रत्युष, सेकंड ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रत्युष, ठीक है गाइस। तो थर्ड आपको दे रखा है, जगह एक डैश मनोहर, क्या डैश मनोहर? स्वप्न, तो स्वप्न आपका इसका आंसर हो जाएगा। धोती फटी सी लटी, दुपट्टी, दुपट्टी आपका इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा गाइस ये, ठीक है। फिफ्थ है, पूछत दीन दयाल को धाम, धाम ऑप्शन में दे रखा है गाइस, तो धाम आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बिहार डैश सो पग कंटक जाल लगे पुने, पुनी जोय, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा विवाइन, ठीक है, विवाइन आपका इसका आंसर हो जाएगा। डैश कांख में चापी रहे तुम, क्या चापी रहे? पोट्री, ठीक है, पोट्री आपकी इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर सही का निशान, गलत पर गलत का निशान लगाइए, यानी कि ट्रू फॉल्स है गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सही, एकदम सही है गाइस ये। सेकंड है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता, मानता है गाइस, ये बोल रहा नहीं मानता, तो ये गलत हो जाएगा ना, ठीक है। थर्ड है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, सही है। साफ मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, नहीं वो हंस रहा था, ठीक है, वो तो खूब खुश हो रहा था। आदमी तो लिबास से फक्त लाज ही नहीं ढकता है, सही है गाइस।
6th है, कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है। हाँ बिल्कुल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4th है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। फर्स्ट है चंद्रमा, तो इसका क्या हो जाएगा? आपने याद तो किए होंगे ना, याद तो करना पड़ेगा। एक लिख दीजिए आप सोम, दूसरा लिख दीजिए इंदु, ठीक है। सेकंड है पुष्प, ये तो किसी को, हर किसी को आता होगा ना, फूल हो गया, सुमन हो गया, ठीक है। भ्रमर, इसको हो जाएगा मधुकर हो गया, अली हो गया। सूर्य का क्या लिख गया? रवि लिख दो, दिनकर लिख दो, भानु लिख दो, कुछ भी लिख दो। आपने याद किए होंगे ना, आपको याद तो करना पड़ेगा गाइस। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। है चार नंबर का आने वाला है आपका, ठीक है। चार है तो चार नंबर क्या आएंगे? हम दीवानों की क्या क्या हस्ती, ठीक है। फोर्थ चैप्टर का ये, मस्ती का आलम क्या साथ चला, आए बनकर उल्लास अभी, हम धूल उड़ाती जहां चले। ये सारा फोर चैप्टर्स है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप गाइस। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। ये भी चार नंबर का है, यानी कि ये एक एक नंबर का है गाइस। ये वन वर्ड आपके लिए, ठीक है, वन वर्ड ही है। फर्स्ट आपका वस्तु के बदले लेन देन, उसको क्या कहते हैं गाइस? उसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कई वर्षों पुराना, यानी कि प्राचीन, पुराना। सरलता से मिल जाना, मतलब बहुत इजी तरीके से मिल जाती है, तो उसे हम कहते हैं सुगम। 100 साल, एक शताब्दी भी बोल सकते हैं आप इसे, एक सदी भी बोल सकते हैं। तो एक सदी सिंपल लगता है, तो आप एक सदी लिख दीजिए गाइस, ठीक है। एक सदी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं खंड बी की तरफ, यानी कि सेक्शन बी की तरफ। लघुतरात्मक प्रश्न के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन आपका, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफर क्यों नहीं करना चाहिए। दो नंबर का आएगा आपका ये, अच्छे से रट लीजिएगा इसे, ठीक है। थर्ड चैप्टर का ये, तो ये पूछ रहा है कि समझदार जो व्यक्ति होते हैं उनको शाम वाली जो बस होती है उसे सफर क्यों नहीं करना चाहिए, थर्ड चैप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो बस थी ना, मतलब जो बस थी जो बहुत खटारा थी, जो लोगों को बिल्कुल उनकी मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता नहीं थी उसकी, पता नहीं वो पहुंचा पाएगी नहीं पहुंचा पाएगी, पता नहीं था। और मतलब खटारा हो चुकी थी वो एकदम, और वो बीच रास्ते में धोखा दे सकती थी, पता नहीं था वो मंजिल तक पहुंचा देगी कि नहीं पहुंचा देगी। तो 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन आपका, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है? आप खुद से लिखिए इसे, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है। मेरे को तो वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कौन सी सबसे ऋतु अच्छी लगती है और क्यों। ये क्वेश्चन अटका देता है गाइस। तो मेरे को तो वसंत ऋतु पसंद है, तो मैं लिखूंगी कि वसंत ऋतु मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो मतलब वो जब आती है उसमें ना ही सर्दी होती है और ना ही गर्मी, और उसमें मौसम बहुत सुहाना हो जाता है, और पेड़ पे नए पत्ते फूल वूल सब खिल जाते हैं, बहुत प्यारा लगता है गाइस मौसम जो रहता है। आप इसमें लिखिए, 3 लाइन दे रखा आपको, 2 नंबर का है। 9th क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9th का फर्स्ट है, 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 ना हो जाना क्या हो जाएगा इस, भाग जाना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मतलब मुहावरा है उसका अर्थ लिखिए, फिर उस पर वाक्य भी बनाइए, आप खुद से बनाइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग गया। सेकंड दे रखा है आंखों का तारा, तो आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय, बहुत प्रिय होना किसी लोगों का, बहुत प्रिय होना। ये सेंटेंस बनाना है इस पे, जैसे कि जो श्याम है ना, श्याम उसकी मम्मी के आंखों का तारा है, यानी कि बहुत प्यारा लगता है मम्मी को। आप भी लगते हो तो कमेंट करके बताओ मुझे। 10th वाला क्वेश्चन है, प्रय उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। उपसर्ग है ये, 2 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट हो जाएगा प्रकार, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कार, क्योंकि प्रकार प्रथम में दे रखा है पहले, तो इज इक्वल टू में लिख दीजिए अब प्रकार। सेकंड पे हमें फिर से प्र पे बनाना है, तो मैं बनाऊंगी प्रकाश, काश यहाँ पे लिख दीजिए, प्र तो एज इट इज है वहां पे,
ये हो जाएगा प्रकाश, दो नंबर का ये अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, कोरोना वायरस से बचाव के दो उपाय बताइए, फेमस है गाइस, चलन में चल रहा है अभी। तो फर्स्ट ऑप्शन अपन इसका लिखेंगे कि कुछ एक कोरोना से बचाव, आप सभी को पता होगा कोरोना से कैसे बच सकते हैं अपन, मास्क लगाना है अपन को जरूर, सैनिटाइजर का यूज करना है और हाथों को टाइम टू टाइम धोते रहना है गाइस, आप इसे खुद से लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, दो नंबर का है ठीक है, दो लाइन में लिखना है। तो आप लिख दीजिए कि गाड़ी चलाते समय हमें मतलब फोन पे बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे एक्सीडेंट जरूर होगा, मतलब होने के चांसेस होते हैं गाइस, और हमें ध्यान से चलना चाहिए और हेलमेट लगा के चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एक्सीडेंट होगा तो हमारा हेलमेट लगा रहेगा तो मतलब हमारा जो सिर है बिल्कुल सेफ रहेगा। आपका 13 क्वेश्चन दे रखा है, साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा जाता है, साइकिल को है गाइस, जो लेखक है ना उसकी दृष्टि में साइकिल बहुत आम सवारी है उसके लिए और इसको चलाना बहुत आसान होता है, इसमें खर्चा भी बहुत कम होता है गाइस, और ये मतलब इसे पुरुष और स्त्री दोनों चला सकते हैं, इसे बहुत आसान होता है चलाना गाइस, ये लिखा आप इस क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, पूछ रहा है कि कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, 10 चैप्टर का है ये। कामचोर कहानी हमें संदेश देती है कि कामचोर नहीं बनना चाहिए, हमें काम से नहीं छिपना चाहिए और हमें मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए काम में, और जो भी हमें वो काम देते हैं उसे करना चाहिए और काम से छिपना नहीं चाहिए हमें। 15th क्वेश्चन है, मतलब जो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसे अच्छे से पढ़ के फिर आपको क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनका आंसर करना है, ध्यान से पढ़िएगा। पर्वतों की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्रों को तोड़ती शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपक जाती थी, जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी, जैसे यहाँ पे दूध को गिरा गया हो, ठीक है। क्वेश्चन है फर्स्ट 15 क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन है, नदी कहाँ पर बहती थी, नदी कहाँ पर बहती थी गाइस, पर्वतों की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड है 16th वाला, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसे दिखाई देती थी, जहाँ पे जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झागों से सफेद दिखाई देती थी, दूध जैसी दिखाई देती थी। 17th क्वेश्चन है, शोर मचाना शब्द का अर्थ है। 18th क्वेश्चन है, नीचे दिए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, ये 12th चैप्टर है तो आपको उसको खुद को करना है अच्छे से, ठीक है, इसका भावार्थ पढ़ लीजिएगा आप। फर्स्ट जो चैप्टर्स है ना जिनमें मतलब श्लोक ये सब है उनका अच्छे से भावार्थ पढ़ लीजिएगा आप, ये जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखिए, ठीक है, दोनों में से दो टॉपिक दे रखे हैं तो उनमें से एक पे आपको कहानी लिखनी है, तो पहले आप डालिए कि आप कौन सी कहानी लिख रहे हैं, फिर उसको अच्छे से राइटिंग में लिखिए, फिर उसकी जो लास्ट में मतलब पूरी कहानी में शिक्षा होती है ना उसको भी अच्छे से लिखना है, फिर उसको हाईलाइट कर दीजिए, जब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके। ट्वेंटी क्वेश्चन आपका, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा हम दे रखा है विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए सम्मान बनाइए, 5 नंबर का है गाइस आपका प्रार्थना पत्र, दोनों में से आपको एक लिखना है, अच्छे से लिखना है राइटिंग, अच्छे से मतलब अच्छे से देख देख के लिखना है जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीन टॉपिक दे रखे हैं उनमें से एक पे आपको निबंध लिखना है, किसी एक पर निबंध लिखिए, 8 नंबर का आएगा गाइस ये पूरा, ठीक है। फर्स्ट है हमारा विद्यालय, किसी यात्रा का दृश्य है, और स्वच्छ भारत अभियान, आप स्वच्छता रखते हो ना तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, तो हमारे विद्यालय पे आप लिख लीजिए, हमारे विद्यालय तो बहुत सिंपल है, 8 नंबर का है और आपको अच्छे से राइटिंग भी लिखना है, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो ना पहले उसको लिखो, किस पे लिख रहे हो आप, ठीक है, फिर उसको नीचे लिखो उसके बारे में, अच्छे से राइटिंग में लिखना है और आपको मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप अच्छे अच्छे राइटिंग में इनमें लिखोगे तो, जो ये पेपर है ना बहुत इजी आने वाला है अगर आपको शांति से अच्छे से बैठ के किया ना, 2.5 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं गाइस, तब 80 मार्क्स तो मतलब
बहुत अच्छी तरह से मिलेंगे आपको अगर आपने इनको अच्छे से राइटिंग करके मतलब अच्छे से लिखा तो। और जो ये कहानी वगैरह है ना उनमें मोरल वगैरह शिक्षा वगैरह सब जरूर लिखना। जब भी आपको 80 में से 80 मार्क्स मिलेंगे और आपका के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।